आज तक दूध गंगा के लिए 14 लाख रुपए भी नहीं आए थे, 149 करोड़ रुपीज, तकरीबन 1.5 अरब रुपये, 1.5 अरब रुपये को रुक सैंक्शन। और आप कब जुड़े इस आरटीआई के साथ? उमर अब्दुल्ला से मैं डायरेक्टली रबते में था, उसमें कोई आपका इंडिविजुअल फायदा तो है नहीं। ये जो हमारे डीजीपी साहब आज है, ये उन दिनों यहाँ पे डीआईजी हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, खैर मकदम, मैं आपका मेजबान हाजी उमर, एक ताजे एपिसोड इस सीरीज टॉक विद हाजी में। कहते हैं ना कि कुछ लोग इस समाज में वो काम करते हैं जिसे देख के सोसाइटी बोलती है कि फख्र करती है उस इंसान को लेके। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर थे वो, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उसने वो काम स्टार्ट किया जिसके लिए आज हर एक जगह, जब भी कोई वीडियो, जब भी सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आप उसको देखोगे, उसके काम को सल्यूट करते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब से। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया, और खैर मकदम इस शो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा तो मैंने बता दिया नाज़रीन को, लेकिन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब कहाँ से हैं, थोड़ा सा आप खुद ही बताइए कि नाज़रीन को। मैं बेसिकली मैं वाथोरा चाडोरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, और मेरी पढ़ाई श्रीनगर में ही हुई है, और बाद में मैंने BDS की डिग्री की। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता था डेंटिस्ट, आपको भी पता है, आप उन दोनों छोटे थे। जी जी। तो 4-5 साल मैंने प्रैक्टिस भी की, अच्छी प्रैक्टिस चली माशाल्लाह। और मगर मेरे जहन में हमेशा जो जो नाइंसाफी होती है और लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, और इन चीज़ों को लेके मैं हमेशा तजुर्ब का मैं बड़ा ही सोचता रहता था इसके बारे में जी। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मुझे अपनी जो मेरा जॉब था, जो मेरी काम जो मेरा था, मैं जो उसे जो है खैरबाद करना पड़ा, उसको बाय बाय करना पड़ा, और मैं जो है फुल टाइम इसी एक्टिविज्म में आ गया। इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में बाद में एनालिसिस करना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में फिर क्या बोलते जुडिशियल इंटरवेंशन करना। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसीलिए बना हूं, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग थे अलग अलग प्रोफेशंस में, तो वो क्योंकि बहुत ही उनके अपने भी मसरूफियात होते हैं, और हर कोई नहीं करता है ये, तो अल्लाह तआला ने लिखा होता है, तो मैं खुश हूं इससे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनना एक शौक, मतलब पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि उनका बेटा उनकी बेटी डॉक्टर बने, और डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट डॉक्टर बनने के बाद उसके बाद उस फील्ड को ही छोड़ना और एक नया फील्ड चूज करना, वो भी लोगों के लिए, उसमें कोई आपका इंडिविजुअल फायदा तो है नहीं, क्योंकि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक आरटीआई एक्टिविस्ट बन के आप लोगों के लिए काम करते हो। ये सारी चीजें, क्या फैमिली का सपोर्ट तब था जब आपने ये डिसीजन ले लिया? देखिए, ये असल में होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं कि जो आपको पैशन कराता है। आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी। जब तक कि आपका किसी चीज के साथ जो आप पैशनेटली नहीं अटैच होंगे ना, आप वो काम नहीं कर सकते। मैं नहीं बोलता हूं कि डॉक्टरी का शोभा, कोई डेंटिस्ट का शोभा, कोई आई सर्जन है, कोई पैरामेडिकल है, कोई नर्स है, कोई थिएटर टेक्नीशियन है जी, कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर उनका वहां दिल नहीं लगता है, उसके साथ वो दिल से जुड़े नहीं है उस चीज के साथ, मुझे लगता है वो उस काम के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं दिल से जुड़ा था, प्रैक्टिस भी अच्छी करता था, पैसा भी कमाता था, ऐसा नहीं था। मगर बाद में जब मेरे पास लोग आते थे और वो शिकायत करते थे कि हमारे ब्लॉक ऑफिस में ये काम नहीं हो रहा है, उन दिनों इंदिरा आवास योजना बोलते थे, IAY बोलते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला जिनके पास ऑलरेडी 2-2-3 दिन मकान है। अच्छा, फ्रॉड्स चलते थे, गलत चीजें होती थी, गलत केसेस में लोगों को फंसाते थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी कुछ रोल होना चाहिए था। तो मैं इतना उसमें फिर बाद में इन्वॉल्व हो गया, इमोशनली इन्वॉल्व हो गया, ये सब लोग नहीं समझ सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं शायद ये कोई पैसा कमा रहा होगा इसमें, ये कुछ और ज्यादा कमा, मैं तो अच्छा कमा रहा था, मुझे क्या प्रॉब्लम है। बट अपने आप को कोई तकलीफ में नहीं डालेगा पैसा कमाने के लिए,
मैं तो आराम से कमाता था वहां पे, कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, वो तकलीफ में नहीं डालेगा अपने आप को कि वो एक्टिविज्म करेगा, तमाम लोगों से दुश्मनी ले लेगा, फिर बाद में पैसा कमाएगा, नहीं होता ये। ये अलग ही एक चीज है, ये हर किसी को समझ नहीं आता है। इस अलग सिस्टम है खासा, जब हम किसी को देखते हैं वो अल्लाह ताला के इसमें जो है इश्क में खत्म हो जाता, फना हो जाता है, वो भी कुछ लोग हैं, कुछ नबी के इश्क में फना हो जाते हैं जी। ये भी एक इश्क है, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। मैं कैसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं समझा सकूं लोग, सोसाइटी के लिए सर मैं समझा नहीं सकता हूँ, अल्फाज मेरे पास नहीं है वो। अच्छा, ये मैं ही जानता हूँ ये क्या है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। ये एक अलग एक इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्ड है एक इन चीजों के साथ की ना इंसाफी नहीं देख सकता मैं, और बात करूंगा मैं इसमें। डॉक्टर साहब, अगर हम आरटीआई की बात करें, 2005 में हमारे मुल्क के पार्लियामेंट में बिल पास की गई जून में, फिर अक्टूबर में इसको फोर्स में लाया गया जी। अगर हम जेएनके की बात करें 2009 में यहाँ पे, और आरटीआई लाखों लोगों तक पहुंचाना, उनको इसके इंफॉर्मेशन नॉलेज दे देना, और आप कब जुड़े इस आरटीआई के साथ एक एज एन एक्टिविस्ट? पहले ही से जुड़ा। अच्छा। हमने तो पहले से उसी पे ही काम किया, जो मेरा एक्टिविज्म शुरू हुआ वो आरटीआई से ही शुरू हुआ। और चूंकि उन दोनों हमारे पास यहाँ पे लॉ नहीं था पहले, 2005 में मरकज ने बनाया था, 4 में बना था यहाँ पे लॉ, बट दैट वाज अ वेरी वीक एक्ट, दैट वाज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एक्ट लाइक सेंट्रल लॉ जो था। तो उसमें फिर हमने, क्योंकि वो लॉ ऐसा था जिससे आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो हमारे डीजीपी साहब आज है, ये उन दिनों यहाँ पे डीआईजी हुआ करते थे। अच्छा, एसीबी में, उन दिनों स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, एंटी करप्शन ब्यूरो। हाँ, अब उसको एंटी करप्शन ब्यूरो बोलते, उन दिनों एसीबी बोलते थे, ये वहां डीआईजी हुआ करते थे। तो मैं इंटर्नशिप करता था डेंटल कॉलेज श्रीनगर में, वहां पे हमको वो डुप्लीकेट साबुन वहां सप्लाई की थी उन्होंने, लाइबॉय सोप। अच्छा। मैं वो सोप लेके गया उनके पास, ये वहां मेरे साथ बड़े बातचीत की, तो बोला यार नया लॉ आया, तुम थोड़ा इंफॉर्मेशन भी मांगा करो, कानून आया। फिर मुझे तब पता चला कि ये सेंटर में लॉ है, जम्मू कश्मीर का लॉ कमजोर है। अच्छा। बाद में मैंने वहां से प्रेरणा ले ली एक हिसाब से, मैंने इतना एक्टिविज्म किया, वो तो बाद में ट्रांसफर भी हो गए, यहाँ पे डेप्यूटेशन पे चले गए थे, बट मेरे जहन में वो बात आ गई। फिर मैंने अरविंद केजरीवाल का एक आर्टिकल पढ़ा हिंदुस्तान टाइम्स में, उसने इंडियन रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़ के वो एक्टिविज्म में आ गया। बहुत से लोगों की मैंने कहानियां सुनी, अरुणा राय की कहानी सुनी, तो फिर मैंने वो उस लॉ को इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो लॉ था ही नहीं, फिर हमने उस लॉ की एडवोकेसी की यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। फिर उसके बाद 2008 में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उमर अब्दुल्ला से मैं डायरेक्टली रबते में था 2 साल तक, उन दिनों 2008-2009 में, और उन्होंने बिल्कुल अपना जो है वादा पूरा किया कांग्रेस ने, उन्होंने फिर लॉ लाया 2009 में। इनफैक्ट जो 2009 वाला हमारा जम्मू कश्मीर का आरटीआई एक्ट था, इट वाज मच बेटर देन द सेंट्रल एक्ट आल्सो जी, कुछ हिसाब से। तो उसके साथ हमने फिर उस लॉ का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। जब इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, मैं यहाँ के रिपोर्टर्स को देता था, यहाँ के जर्नलिस्ट को देता था, अब उनके पास भी मतलब हर किसी के पास उतना टाइम होता नहीं था, वो लिखता रोज रोज। बाद में मैं लिखने में इन्वॉल्व हो गया, अब मैंने इतना लिखा इंफॉर्मेशन गैदर करके, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज पावर, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, और ऑलरेडी मेरे कुछ अच्छे थे राइटिंग स्किल्स पहले से ही थे, तो फिर मैं इन्वॉल्व हो गया राइटिंग में, एंड आई हैव बीन राइटिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स फॉर ग्रेटर कश्मीर नाउ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर कश्मीर ऑब्जर्वर फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, आई हैव रिटन फॉर मेनी नेशनल डेलीज, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, डाउन टू अर्थ, थर्ड पोल, नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए मैं फुल टाइमर, अब क्या है, राइटर बन गया, कॉलमनिस्ट बन गया, इंटरप्रेटर बन गया, कमेंटेटर बन गया, इसमें ही आ गया, और साथ साथ में, बट मेरा जो लिखने का तरीका है ये कोई ऐसा नहीं है, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, मतलब जो नौजवान देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनके लिए बोल रहा हूं जी। इंफॉर्मेशन इज पावर, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तब जाके आप कुछ सही चीज लिख सकोगे। जब मेरे पास आरटीआई से इंफॉर्मेशन आती थी तब मैं लिखता था, जितने भी मेरे आप मजामीन उठाओगे वो कोई कॉपी पेस्टेड मजामीन नहीं है जी, दैट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, पूरा रिसर्च रिसर्च्ड है जी बेस्ड। और मैंने एक नई ट्रेंड दे दी लिखने में भी,
बहुत लोग बोलते थे क्या ये रिपोर्ट है कि ओपेड है, ओपेड भी नहीं होता था, रिपोर्ट भी नहीं होता था, कभी कभी कुछ ओपेड होता था कोई रिपोर्ट होता था। और मैंने ऐसी एक ट्रेंड दे दी, इवन जो बड़े आपके एडिटर्स हैं सिद्धार्थ वरदराजन जैसा आदमी या कुशल गुलाब जैसी जी, उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि मैंने एक नया इसको ट्रेंड दे दिया लिखने में। मैं स्टोरी बयान करता था, इवन द वायर में, इंडियन एक्सप्रेस में जी, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और अब डाउन टू अर्थ में मैंने अपनी स्टोरियां बयान की कि स्ट्रगल मैं कैसे कर रहा हूं, ये यहां पे ऐसा हो रहा है, इस लॉ की वायलेशन हो रही है, इस रूल की वायलेशन हो रही है, एनवायरमेंट लॉ के इस जो हमारा वाटर एक्ट है यहां पे ऐसे वायलेशन, एयर एक्ट की यहां पे वायलेशन, मैं वो स्टोरी बयान करता था और वो स्टोरी ज्यादा चलती थी जी, और वो नया ट्रेंड दे दिया। और उसके साथ साथ क्या किया, एक तो एक्टिविज्म भी किया, इंफॉर्मेशन लाई, फिर उसके बाद लिखा, और उसके बाद लिखने के बाद क्या किया, एडवोकेसी। आमतौर पे क्या होता है, कुछ एक्टिविज्म करते हैं वहां रुक जाते हैं, शोर करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, बस कुछ लिखते हैं, बस वो चीज नहीं करते हैं, कुछ प्रदर्शन भी करते हैं, कुछ धरना भी करते हैं, कुछ लिखते भी हैं। कुछ लोग हैं वो जुडिशियल इंटरवेंशन करते हैं, PIL फाइल करते हैं, मैं PIL भी फाइल करता हूं, मैं हर किसी से आ गया, मैंने एक्टिविज्म भी किया, मैंने लिखा भी, मैंने एडवोकेसी भी की। एडवोकेसी के बाद उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जुडिशियल इंटरवेंशन किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक मैंने केसेस लिए हैं। डॉक्टर साहब, आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात की, रिसेंटली एक ऑर्डर आया है और हमने पढ़ा था कि वो जो फाइल आपने की थी दूध गंगा प्रोजेक्ट पे, आपने देखा, आपने काम किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, स्टोरीज की, और वो दर्द जो आपने अपना मतलब कीमती वक्त उस लेवल तक उसको ले गया कि फाइनली एक ऑर्डर आया हुआ, वो ऑर्डर क्या है नाज़रीन को बता दीजिए। ऑर्डर वो ये है कि दूध गंगा जो है, दिस इज द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर मोर देन 6 लाख पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर अपटाउन। श्रीनगर अपटाउन में हुमहामा, रावलपोरा, पीरबाग, सनतनगर, वानबल, छानपोरा, बागी महताब, इवन हमारा एरिया तक, ये वाथोरा तक, क्रालपोरा तक, 6 लाख पॉपुलेशन को दूध गंगा से पानी मिलता है। और ये दूध गंगा का पानी कितना कंटामिनेट हो गया है सबको पता है, कितना इसमें सॉलिड वेस्ट जाता है, कितना इसमें लिक्विड वेस्ट जाता है, कितनी इसमें ओपन वायलेशन होती है वाटर एक्ट 1974 की, तो और उसमें इलीगल माइनिंग हो रही थी यहाँ पे चाडोरा के आसपास में। उसी केस को लेके मैं 2021 में NGT गया, बहुत सारे ऑर्डर्स आए, इंटरिम ऑर्डर्स आए, ये आया, जजमेंट्स आते रहे, आते, अभी केस चल रहा है। और फाइनली जो है गवर्नमेंट मजबूर हो गई कि वो 149 करोड़ रुपीज, ये नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, आज तक दूध गंगा के लिए 14 लाख रुपए भी नहीं आए थे, 15 लाख भी नहीं आए थे, 149 करोड़ रुपीज, तकरीबन 1.5 अरब रुपए को रुक सैंक्शन, 1.5 अरब रुपए, हिस्टोरिकल डिसीजन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एफिडेविट लिख के दिया वहां जम्मू कश्मीर सरकार ने, और लेटेस्ट उनका जो एफिडेविट है, यहाँ के कमीशन सेक्रेटरी जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और चीफ इंजीनियर UED है, उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया है कि हम जी इस पे तकरीबन 148 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, और इसको स्ट्रीमलाइन, जिसमें प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड ड्राई वेदर फ्लो, उसमें 50 करोड़, 89 करोड़ से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन STP ऑफ DWF डिस्चार्जिंग दूध गंगा चौडोरा से बागी महताब तक, टोटल ये बनता है 148 करोड़। और इन्होंने इसमें टाइम पीरियड भी लिखा है, एफिडेविट लिख के कब तक करेंगे, इन्हें क्या ऐसी बोल दिया हम करेंगे, वो कागज बहुत हम देखते हैं, इन्होंने NGT के सामने बोला है, इन राइटिंग बोला है, और एफिडेविट पे लिख के दिया है कि कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कब होगा, ए प्रोजेक्ट 31 मार्च 2025, बराबर एक साल के बाद, दूसरा प्रोजेक्ट 15 सितंबर 2025, और इसका ट्रायल कब होगा, 15 मार्च 2026 को एक का ट्रायल होगा, दूसरे का होगा सितंबर 2025 में। दैट मीन्स एक या 1.5 साल के अंदर दूध गंगा का बिल्कुल निजाम ही चेंज होगा, लिक्विड वेस्ट जो इसमें घुसता है उस लिक्विड वेस्ट को
सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए ट्रीट किया जाएगा, जो हमने डिमांड रखी थी। इलीगल माइनिंग हमने बंद कराई, एक साल से कोई मशीन इसमें नहीं काम कर रही है। जब जुर्माना लग गया इन पे 35 करोड़, सरकार पे अलग जुर्माना लग गया, वो जुर्माने का पैसा भी दूध गंगा के लिए खर्च करना है। पहले 3 करोड़ जुर्माना हुआ, उसके बाद 35 करोड़ हुआ, और रिसेंटली जो कंट्रैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे उन पे 16 लाख का जुर्माना अलग लगा। और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के तहत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा गया एनजीटी की तरफ से कि आप इसमें असेसमेंट कीजिए कितना डैमेज हुआ, उसका अलग होने वाला है। सो ये हुआ एक्टिविज्म से। अगर मैं वही प्रैक्टिस करता रहता, मैं अपना घर चलाता, मेरे बच्चे ठीक होते, पर जो समाज में जो हो रहा है, फिर तालीम हम किस लिए हासिल है? जिंदगी एक बार आती है जी। अगर आप तालीम हासिल कर रहे हो, आपको इन चीजों के बारे में नो हाउ है, इसको एक्सप्लोर करो, फिर निकल जाओ, फैल जाओ, शाहीन बनो फिर, वरना आप शाहीन नहीं हो। अच्छा। वरना आप वो खाली किताबों में पढ़ते हो, आप जो शेर व शायरी करते हो, आदमी महफिलों में बैठते हो, वो शाहीन नहीं है। शाहीन अगर बनना है, इसको दिल में उतारना है इस चीज को, और इसको एग्जीक्यूट करना है किसी भी फील्ड में आप हों। डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों के लिए कि हिस्टोरिकल डिसीजन आपने अभी नाज़रीन तक पहुंचाया, आपके हाथ में एक ऑर्डर है जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर राजा मुजफ्फर ने अपने सारे कंफर्ट जोन छोड़ दिए। जब डॉक्टर थे आपके पास हर एक कंफर्ट जोन था, सब छोड़ के, और ऑल टुगेदर इस जब तक ना फैमिली का सपोर्ट हो तब तक ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल। इसके पीछे आपकी फैमिली कितनी सपोर्ट करती है आपको? माशाल्लाह मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरी वाइफ का खासकर सपोर्ट है, वो पढ़ी लिखी है, शी इज अ स्कॉलर, उन्होंने PhD किया है, उन्होंने नेट किया है, शी इज अ सीनियर लेक्चरर आल्सो, उनको समझ आता है ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तो थोड़ा होता था, पहले पहले लगता था उनको, या मेरे वालिद साहब है, वो भी माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट है 1975 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनको समझ आता है ये क्या बोल रहा है, कानून की बात बोल रहा है, और उनको पता है कि समाज में ये, और बाकी मेरे कजिन्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब समझते हैं इन चीज़ों को। और माशाल्लाह फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था हमारा, ऐसा ये नहीं था कि मुझे मेरी कोई इतनी लाइबिलिटीज थी, और मैं भी अपना रोजगार कमाता हूँ, मैं लिखता हूँ, लिखने के जरिए भी मेरी थोड़ी सी अपनी कमाई हो जाती है, कंसल्टेंसी थोड़ी करता हूँ, किसी के साथ काम करता हूँ प्राइवेटली, और मेरा भी हो जाता है। तो मुझे उसके बाद भी अल्लाह ताला ने इतनी मदद मुझे की है, आप अंदाजा नहीं कर सकते हो। मैं खुद अल्लाह ताला की नुसरत और मदद देखता हूँ। जब हम सिंसेरली काम करते हैं, अल्लाह ताला बोलता है जब आप मेरे लिए काम करोगे, सिंसेरली काम करोगे, मैं आपका हाँ योर मददगार बन जाऊंगा। वो तो हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, मैं कभी किताब भी लिखूंगा इस पे कैसे मदद हो रहा है। गायबाना जिसको मदद बोलते हैं हम, एक हिसाब से मेरे साथ वैसा भी हो रहा है कभी कभी। अच्छा। दो जगह पे, क्योंकि मैं उसके लिए काम करता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई है ही नहीं, कोई जाति मेरा है ही नहीं। इनफैक्ट जो कंट्रैक्टर इसमें काम कर रहे थे ये मेरे पास एक दो बार आए, एक अच्छा। दो बार मैंने इनको निकाल दिया ऑफिस से, एक बार कुछ लोगों ने लालच भी दे दी, एक बार मैंने बिठाया, मैंने बोला आज हम दूसरे हिसाब से बात करेंगे। अच्छा। मैंने बोला तो भी पाथर, खुदा की कसम, मैंने इनको बिठाया, 3-4 लोग थे ये, मैंने इनको ऐसे समझाया, मतलब ये इतने ये इंप्रेस हो गए उसमें, एक दो लोग, एक ने मेरे हाथ चूमे बाद में, बोले यार हम भी जाते हैं ऑफिसर्स के पास, यहां वहां हर कोई पैसा खाता, हर कोई ये बोलता है, आपने हमको इतना इमोशनल कर दिया इस चीज से कि हम अब कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आप भी आप जो करो करो भी आप, हम भी मगर हम आप ठीक काम कर रहे हो। ये मुझे एक खुद कंट्रैक्टर ने बोला ये बात, अल्लाह की कसम, क्योंकि जब हम वैसे मैंने बोला मेरा कोई जाति है ही नहीं, मैं ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई जैसी भी नहीं है, मेरा कुछ ये नहीं है पोल्यूशन से, मैं जब वो समझ रहे सब, मैंने बोला मेरे को दूध गंगा रात को खाब में आती है, वो खून के आंसू रो रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रहा, ठीक कुरान वनान तो ना है आपस में, हम पेशाब नहीं करते थे पानी में, हम डरते थे बचपन में कि हमको रात को जिन आएगा, फिर हमारे लोग जजीर का पानी नहीं डालते थे हुक्के का, इसमें इतना हम इसको ये करते थे। कुरान आपको बोलता है, आपके वेद बोलते हैं, आपके ग्रंथों में लिखा, हर कोई मजहब में पानी को इतना इंपॉर्टेंस है, आप उसी पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और इतना 20-20 मीटर नीचे जा रहे हो, वाटर ट्रिबल नीचे जा रहा है, हम क्या पिएंगे, क्या हम जहर पिएंगे, फिर हमारा कश्मीर कहां रहेगा। जब हाँ आप जब अच्छी से लॉजिक से बात करोगे ना अपने दुश्मनों के साथ भी, वो भी आपके दोस्त बन जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर साहब,
जब आप समाज को देखते हो, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, और जब आप देखते हो कि उनका इस तरफ कोई मतलब ध्यान ही नहीं है, तब आप खुद के साथ क्या कहते हो खुद को? बहुत बार दुख हो जाता है, कभी कभी मतलब कोई बोलता है ये करते हैं इसको फायदा मिलता होगा, इसमें फायदे मिला अमस तवे कर वन बिचोर क्या मानो ये पैगम्बरन वो खबर क्या क्या तम सोद हवान पैगम्बर हमारे सोद दिखाते थे, ये है यहाँ पे एक बात बोलते थे वहां से दूसरी बात बोलते, हमारे बनी इसराइल के पैगम्बरों के बारे में बोला गया, इनके बारे में बोला गया, हम तो बात ही नहीं है। बट एक चीज है कि समाज में जो लोग रहने वाले लोग हैं उनको शायद लगता है कि दुनिया में हर कोई इंसान जो है किसी लालच के लिए कोई चीज करता होगा, ये गलत चीज है। ये लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, थ्रू दिस मीडियम आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूं, दुनिया में हर कोई इंसान लालची नहीं होता है। दुनिया में वो कलंदर भी रहते हैं जो अपने आप को त्याग देते हैं, जो अपने आप को खत्म कर देते हैं समाज के लिए काम को, वो अलग एक लेवल है, आप नहीं समझ सकते हो वो बात। मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, ये बात नहीं समझ सकता हर कोई इंसान। जब इंसान को किसी चीज के साथ शफकत और मोहब्बत हो जाती है ना, वो फिर उसके हदें क्रॉस कर लेता है, वो उसके हद पार कर लेता है, वो इंसान के जहन में नहीं आ सकता है। जी वो बहुत ही कम लोग हैं जो उनको समझ आएगा, क्योंकि जो उससे जिन्होंने वो फेस किया हो, जिन्होंने वो देखा हो, वो समझ सकते हैं आपकी बात को। जी हर कोई आपकी बात को नहीं समझ सकता है, दिस इज द प्रॉब्लम। आपने ड्रग एडिक्शन पे भी बहुत काम किया है, अगर हम रेशो देखेंगे यूथ का, यहाँ दिन ब दिन केसेस आ रहे, नए नए बढ़ रहे हैं। आपको डॉक्टर राजा मुजफ्फर जी को क्या लग रहा है, क्यों यूथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है ड्रग्स में? ड्रग्स में मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि ये एक ऐसी वबा हमारे समाज में फैल चुकी है, अब ये बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले यहां पे क्या होता था, पहले सिगरेट पीते थे, फिर चरस पीते थे, अब जो नई नई चीजें आपके पास आ गई, ये किसी ग्रुप में रहते हैं, ये वहां पे ट्राई करते हैं उसका, फिर किसी ने थोड़ा सा ले लिया, सूंघ लिया, किसी ने इसका इंजेक्शन ले लिया, ये एक जो एक जवानी होती है ना, एक जो टीन एज होती है, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम होता है। और जब हम यूथ होते थे हम एक्सपेरिमेंट करते थे कुछ और चीजें, हमारे लोग सिगरेट पीते थे, हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करते थे। अब चूंकि वक्त आगे उतना चला गया है कि ये जो इन ग्रुप्स में रहते हैं यहाँ पे नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और ये बहुत ही तबाहकुन है, और अल्लाह ताला हमको इससे निकाले। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों के बारे में बच्चों को, जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले से अगर हम उनका जहन बनाए, इस चीज को हम बुरा भला कहें पहले से ही बच्चों को, मुझे लग रहा है कि वो उससे दूर रहेंगे। चूंकि अभी भी गैप्स बहुत सारी हैं कि जहां पे बच्चों को पता नहीं है ये चीजें है क्या, ये इतनी डेंजरस, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। मुझे लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है स्कूल्स का रोल है, और वाल्डेन का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, कि वो इस चीज को रेडिक्यूल करें, ये जो ड्रग्स हैं इसके बारे में बोलते रहें घरों में, और इसको रेडिक्यूल करें, और इसको एक मतलब घटिया चीज वो पेश करें अपने बच्चों के सामने, ताकि वो बच्चे इससे दूर रह सके। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हम सारे लोग एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए हैं, एक ट्रैक पे, एक रेस में लग गए हैं सारे की, चाहे हम, और हमें पता भी नहीं है हमें कहाँ पहुंचना है, और यही चीजें रिजल्ट होके आती है कि ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है, बेहयाई बढ़ रही है, सीनियर सिटीजन का कोई रेस्पेक्ट नहीं है हमारी सोसाइटी। मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी बन गई है, बिल्कुल आपने सही बात कही, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है, कोई पासो लिहाज नहीं है, बुजुर्गों का लिहाज नहीं है, माँ बहन का लिहाज नहीं है, ड्रग एडिक्शन हो रही है। इतनी तालीम हमने हासिल की, इतनी डिग्री होल्डर्स हैं आजकल, पहले कहीं पे बोलते थे, कहीं जब मैं छोटा था पढ़ता तो मैं सुनता था एमएससी, इसने एमएससी किया है, लगता था कि इसने बड़ी डिग्री की है, पीएचडी तो हमको लगता था बड़े, इसको बड़ी इज्जत से देखते थे पीएचडी होल्डर को, किसी को। हमारे यहाँ वाथोरा हेड्स के, मैं उन दिनों छोटा था, मैं फोर फिफ्थ में पढ़ता था, फिर हम सुनते थे यहाँ पे एक पीएचडी जो है लेक्चरर आया है फिजिक्स में, कि किस में आए थे वो, बायोकेमिस्ट्री में, बशीर साहब जो थे, उन दोनों पहले लेक्चरर थे वो,
तो सब सुनते थे यार पीएचडी है ये कठेर शेख, ये इसने पीएचडी किया है, ये जी कठेर गांव का है। जी तो मगर आज इतने पीएचडी हैं, इतने डिग्री होल्डर्स हैं, और आप देखिए डायपर कहाँ फेंकते हैं, दरिया में फेंकते हैं, नदी में फेंकते हैं। अब हमने कहाँ रखी वो डिग्री? हमने डिग्रियां हासिल की है, हम एजुकेटेड नहीं है। वी आर लिटरेट बट नॉट एजुकेटेड। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, बुजुर्ग थे, दे वर इलिटरेट बट दे वर एजुकेटेड। ये फर्क है आज की और पहले के समाज में। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल मेरा, जाते जाते क्या मैसेज रहेगी नाज़रीन के लिए आपकी तरफ से, कि क्या हमने करना है ताकि हम एक अच्छी खासी सोसाइटी बना सकें? देखिए हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें कहा कि अशरफुल मखलूकात हो आप, यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस। अल्लाह ताला ने हमें बोला है ना, ये इंसान को बोला है कि यू आर द बेस्ट ऑफ क्रिएशन। जितनी भी मखलूकात हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, हैवान हैं, इनमें से तुम सबसे बेस्ट हो। और अल्लामा इकबाल ने कहा तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, जाओ यार तुम पहाड़ पे उड़ो उड़ो, तुम जाओ ऐसे हो तुम। हमने उन चीजों को बुला दिया है, हमने बिल्कुल उनको ताक पे रख दिया है। हम इसी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस चुके हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो ऑलरेडी सेटल्ड है लाइफ में। अब जरा कोई अनसेटल्ड होगा, मैं उसको बोलूंगा कि तुम ये करो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो सेटल्ड ऑलरेडी है, जो बिजनेस में सेटल है, जो किसी और शोबे में सेटल है, नौकरी में सेटल है, प्राइवेट जॉब में सेटल है, अपनी जिम्मेदारी में सेटल है, थोड़ा सा टाइम अपने समाज के लिए भी दे दो। ये मेरी मैसेज होगी उनके लिए बस। शुक्रिया वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट एक डॉक्टर होने के बावजूद समाज के लिए इसने खैराबाद किया, अपने सारे कंफर्ट जोन साइड में रख के वो मिशन उठाया जिससे एक सोसाइटी बनती है। एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन के इसने वो चीज़ करके दिखाई कि डिपार्टमेंट मजबूर हो गया, 1.5 अरब रुपया खर्च करेंगे वो एक साल में, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक कमिंग जनरेशन के कुछ नई चीज़ें होंगी। हमारा कश्मीर खूबसूरत है ही, लेकिन हम सब पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है, मुझ पे जिम्मेदारी है, सब पे जिम्मेदारी है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी एक कमिंग जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे कि हमारी नई जनरेशन को फायदा हो। आज के लिए इतना ही, अगले शुमारे में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।